अरे उसको विकलांग आदमी लगा दो बाबू, आप लोग आइए जल्दी आइएगा। बैठी जा मैडम, और बैठा कुछ काटे वाला भाभी इधर देखिए। अभी क्या बेटे खड़े आदमी को वॉलंटियर को लगाइए ना, बहुत चीज है आइए ना। आप वहीं पर रखिएगा ताकि देखिएगा कोई कुत्ता उत्ता आके भोजन को छू ले जाए। देखिए हम खाते हैं ना। हाँ ए अनिल, अरे दो आदमी आ रहे हैं सर, गो गो उनका घर गुजरना होगा। हाँ हाँ, तो उसका पूरा वैल्यू हो गया तो आप उधर आ जाइए। अच्छा मिला मंगवा आप मिलती और दुनिया में कोई एक माध्यम बनता है, एक सड़क होती है उस पर हजारों लोग चलते हैं, एक धरती एक आकाश एक चंद्रमा एक माँ बाप, दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो एक ही सुरना स्रोत है वो है मैं डॉक्टर नीतू। लगता है कि हमें सुख मिलती है परोपकार करके। वैभव जैन समाजवाड़ी हूँ और हमने अपने घर के संस्कार में यही देखा है कि सुख। दूसरा मैं ये भी बोलती हूँ कि थोड़े एक देते तो ऊपर वाला आपको चार देता है और हमने ये फील किया है, वैभव ने भी ये फील किया होगा कि हमें उन्नति की तरफ हम जाते हैं, अच्छा लगता है। और कि खाने को वेस्ट ना करें और कैटरिंग और भी बहुत सारे लोग करते हैं। वैभव से लोग ये सीखे कि उनकी कैटरिंग के थ्रू भी वो और गाँव में जा सकते हैं और लोगों को खाना दे सकते हैं। होने के बाद अनाज लेके जाते हैं वहीं दूसरी तरफ करके उस अनाज को उपयोग में लाया जाता है। सोच यही है कि लोगों को मिले, लोगों को और हमेशा एक संतुष्टि मिलती है और सोच तो कोई न कोई माध्यम बनता है। हमारी इस प्रेरणा के पीछे डॉक्टर नीतू हैं, जिनकी सोच जिनकी प्रेरणा के माध्यम से आज ये काम हम पिछले पाँच मिले, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिले।